हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, जी हां, यूपी ट्रिपलएससी की तरफ से जूनियर असिस्टेंट के पेपर अब समाप्त हो चुके हैं। दोनों शिफ्ट के पेपर समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने अभी अभी एक नोटिस जारी की है। जी हाँ, जूनियर असिस्टेंट परीक्षा संबंधित एक नोटिस है। पेपर के बाद आयोग ने नोटिस, बड़ी नोटिस जारी की है। जिन लोगों ने भी परीक्षा दी थी वो जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर विजिट करते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, यहाँ से सबसे पहले ऊपर जब देखेंगे, यहाँ पर अलर्ट्स एंड न्यूज में आयोग के संख्या 4/2019 द्वारा विज्ञापित कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा से संबंधित ये सूचना है। लेकिन ये डाउनलोड, इस पर अभी सर्वर एरर बता रहा है, लेकिन हम आपको नोटिस दिखा देते हैं कि किस संबंध में ये यहाँ पे दिया है ये सूचना। तो चलिए हम नोटिस को आपको दिखा देते हैं पूरा। तो आप सभी के सामने ये रही है नोटिस, जूनियर असिस्टेंट 4 जनवरी की नोटिस है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 4/2019 द्वारा कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित विभिन्न विभागों के कनिष्ठ सहायक के 1403 पदों पर भर्ती है 4 जनवरी 2020 को दो पालियों में 10 से 11.30, 3 से 4.30 के बीच में लिखित परीक्षा सम्पन्न कराई गई। प्रश्नगत कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 की दिनांक 4/1/2020 को संपन्न लिखित परीक्षा के प्रथम पाली की प्रश्न पुस्तिकाओं की 8वीं सीरीज BA, BB, BC, BD, BE यानी कि सभी पुस्तिकाओं और द्वितीय पाली की A से लेकर AS तक की ये जो जितने भी पुस्तिकाएं हैं, प्रश्न पुस्तिकाएं, उसको आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 14/1 तक दृष्टव्य रहेंगी। उक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट पर होम पेज न्यूज एंड URL पे जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि आपको यहाँ से ही डाउनलोड करनी थी, लेकिन अभी ये वेबसाइट चल नहीं रही है, इसलिए आपको डाउनलोड नहीं, आपको UPSSC में जाना है। सीधे न्यूज एंड अलर्ट्स में जाके आपको ये डाउनलोड कर लेना है। हालांकि अभी ये वेबसाइट नहीं चल रही है, जैसे ही वेबसाइट चलेगी हम आपको सूचना दे देंगे। लेकिन आपको कुछ इस प्रकार से, आप जैसे ही आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सूचना ऊपर, सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी उत्तर कुंजी कल तक आपको उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। तो ये रही अपडेट। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।